अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करनी आ तुसी ठीक हो दे, तुहाडी दुआ मना मम्मी ठीक ठाक आ। एक खुदा नहीं होती वरना माँ क्या नहीं होती। तमाम मेरे चैनल वेखन वालिया दी मावां नू अल्लाह लंबी तो लंबी जिंदगी देवे, तंदुरुस्ती देवे, किसी के पिछे मेरी मान भी देवे। जिस तरह कि तुहानू पता है, मैं सकीना की कहानी भी सुनांदी सा कि उन्हां दा दरवाज़ा खड़किया तो फिर फुटबाल वाले वापस आ गए, जिन्हां को लैके सींदे सन। तो उन्हां भाई आखिया भी सानू जल्दा माल चाहिए, तो तुसी इन्ने पैसे ले लो तो तुसी सानू सी के देवो। वो बहुत ज़्यादा खुश होए, उन्हां शुक्र अदा किया रब का कि अल्लाह सुनिया शुक्र मालका के तू सानू किसी अगे हाथ नहीं फैलान दिता। ते बहुत ज्यादा भाई ना खुश हो गए, ठीक हो गए ना दे भाई। एक दिन भाई ठीक गुजर गया, फिर अल्लाह दा शुक्र होया कि उहदा नाम की ना उन्होंने ना उन्हां दे अबू नू भी कॉल आ गई कि भी कुछ बेहतर होए हो कि नहीं, भी बीमारी तो भी पैर ठीक होया कि नहीं। इन्हें आख्या भी अजे उंज बेहतर तो नहीं, उंज अगे नाल बेहतर ही है। तो उन्हें आख्या भाई तुसी ना 2-3 दिन बाद ना तुसी आ जाओ नौकरी ते वापस। तो इस तरह ही ना 3 दिन गुजर गए। जिस दिन उन्हों का जान का टाइम सी ना, रात में ना उन्हों की अम्मी नू ना भी दिमागी दौरा पिया, भी टेंशन लैन लग पे सन कि भी मेरे बेटे भी छोटे ने, अगू मेरिया बेटियां भाई जवान ने, इन्हों का की बनेगा। तो उन्होंने नहीं सी पता कि यदा नाम की, इन्होंने बई सुबह चले जाना वे बई जी उन्होंने वालद साहब सन ना सकीना दे, बई इन्हें सुबह चले जाना वे। तो वो इस तरीके ना बई उन्होंने पता नहीं चलिया बी रात में उन्होंने दिमागी दौरा पिया, उन्होंने दिमाग काम करना छट गया से। वो फिर सोचन मैं की करा, अगू जिहड़ियां बेटियां वड्डियां सन ना समझदार, एक तो सकीना से ते 2 बेटियां होर सन, उन्हें आख्या अबू तुसी जाओ ते असीं अम्मी दा ख्याल रखांगे। तो इत्थों बई गाँव दे विचों दवाई लई इन्हां रात नूं, ते उन्हें आख्या बई जल्द तो जल्द ना इन्हां नूं किसे बई अच्छे डाक्टर कोल ना चैकअप करवाओ इन्हां दे दिमाग दा। इन्हां दा दिमाग मजीद तुसां इंदा रख्या ना ते मजीद खराब हो जाए, अपने बच्चियां नूं भी भुल सकदे ने। ओही अबू भी इन्हां दे चले गए। पिछों जिहड़ियां 3 धीआं सन ना, सकीना ते 2 भैणां दूसरियां, वह अपनी मान संभालन कर उन्होंने दिमाग कम करना वाकई छड़ गए, अपने बच्चों की पहचान भी छड़ गए। जो जो उन्होंने छोटा बेटा से ना 2 साल का, उन्हें नेड़े जाना तो उन्हें मारना करना उन्होंने, इस तरीके ना भैनों ने भी बड़ा दुख होना करना कभी। तो वालद साहब तो उन्होंने चले गए सन, तो फिर उन्होंने बेटिया ने कॉल की भाई अबू अम्मी की तबीयत ना ज़्यादा खराब भी होंगी है, भाई वो तो पहचानना भी ना सन नहीं पे पहचान दे, तो छोटे ने भी ना छोटा बहुत ज़्यादा रोंदा आवे कि मैं अम्मी को जाना वे। तो ऐसा हद तक कि कोर रात में सवा भी नहीं सन सकते, तो भाई मारते सन उन्होंने। तो उन्हें फिर ना उत्थे गल की मालका नाल, भाई इन्ने मैं पैसे चाहिए ने, तो मेरी बेगम बीमार है, तो उहदा नाम की ना उन्हें फिर ना दिते। उन्हें आख्या तो तुसी ना जल्द तो जल्द ना लैके जाओ। वैसे वह भी अच्छे सन जिन्हां कोल काम करते सन, पहले उन्होंने जाके सारा घर का दसिया कि भाई ऐसे ऐसे हालात रहे ने, मैं जिन्ने दिन घर रहा वा साढ़े नाल इंज। उन्हें आख्या भाई तुसी क्यों शर्माते रहे हो, जो तुसी साढ़े कोल नौकरी करते सो तो तुसी एक दफा सन दसना सी भाई, यह भी तो हुण गल पे दसते हो ना कि भाई वो इन्ने बीमार ने, भाई मेरी बेगम इन्नी बीमार है, तो तुसी यह भी उदन दस छड़ना सी कि तुसी भाई थोड़े घर खाने को कुछ नहीं। उन्हें आख्या भाई मैं शर्मिंदगी दे मारे नहीं सी दसिया कि भाई मैं काम ही नहीं कर रहा, तो मैं क्यों भाई इन्हों आखा। तो अल्लाह कीता तो उन्हें पैसे दिते तो लैके आए घर, इन्होंने फिर लैके गए दिमागी डॉक्टर को। उन्हें आख्या भाई इन्हों का ना महीने का इलाज है, महीना लग ही जाएगा। तो फिर इस तरीके ना वो उन्हें दवाई शाई दी, इन्हें दवाई देनी, इन्हें संभालना भी, तो बहुत
हालात तो कुछ बेहतर हो गए, क्योंकि नौकरी तो लग तो फिर ज्यादा दवाइयां तो लगते सन पैसे उन्होंने ते उन्होंने वालदा दे ते जिस टाइम फिर वो नाम की उन्होंने दवाई शी लैन दी उन्होंने ना फिर जो स्कीन है ना स्कीना सोचना भाई हूँ की करिए हूँ सिर्फ अबू कले कमाते ने ते उन्होंने फिर पैगाम कर लिया उन्होंने घर भी फुटबॉल नहीं आए तो ओला किता वो सुनी गई बई धुप्पा लगन लग पियां तो सही बई आ गया माल इन्हां ना फिर सीने शुरू कर दिते तिना भैनां ने तो ना फिर सीने नाल नाल अम्मी ने भी संभालना। ते एक दिन ऐसा वाकया होया कि सकीना दे हथ विच ना सूआ लगा रात नू सींदिया वो काफी ना नाहुन खराब हो गया भर पै गया फिर भी उन्हें पट्टी ला के ना सीने करने तो जिहड़ियां दो दियां भैनां सन ना उन अम्मी नू संभालना करना रात नू काफी लेट होना सोना करना ते बहुत ज्यादा वही दुखी रहना करना सकीना ने भी उहदियां भैनां ने भी फिर घर का सारा बोझ उन्हां ते आ गया सी। ते मेरा एदी कहानी सुनाने का मकसद पता जी की किसे मेरी भैन नू हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत रखो हर चीज मिलती है। कि जिस तरह सकीना ने हिम्मत नहीं सी ना हारी इस तरीके नाल मेरिया मावा भैनां अगे रिक्वेस्ट है कि कदी भी हिम्मत हार के गलत रास्ते ते नहीं चलना। मैं काफी वाकये सुने ने कि हाथ फैलाना किसी अगे किसी ने अपनी टेंशन दसनी अपनी तकलीफा दसनिया वो सोने अगे रब अगे दसीए ना ते हर चीज टेंशन का हल भी लग जाता है। असी लोग आने ना अस इंसानों को सुनाइए नहीं इंसानों ने की करना होंगे मजाक उड़ाते ने अगों मजीद टेंशन बढ़ाते ने उस गल का सही मतलब नहीं दसते उन्हों गलत विच बयान कर देंगे ने। मेरे कहने का मकसद है वे कि अच्छे इंसान भी अल्लाह ताला ने बनाए ने बुरे भी है ने विच कि सारी दुनिया नहीं एक जैसी वो जिम्मे मिसाल बनी पंजे उंगलां बराबर नहीं होंदियां। मैं उन्हां लोगों को आख रही हाँ कि जिहड़ा किसी नूं गलत रास्ते लाउंदा या गलत मशवरा देंदा है कि किसी के दुख सुख में साथ नहीं देंदा मैं उन्हां लोगों को आख्या वे नहीं तो काफ़ी दुनिया अच्छी भरी पई है दुनिया के विच ऐसी कोई गल नहीं होंदी। तो मेरा इस वीडियो नाल मेरे भैन भरा मेरे चैनल नाल जुड़े रहन इस वीडियो नाल कल फिर मैं मिलांगी। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो आज दी पसंद आवे लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली तमाम वीडियो तमाम व्यूजर तक पहुँच सकन कि मैं मजीद इस तो भी अच्छी वीडियो बनावा मैं।